ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं भाई कभी कभी। बाकी ये देख के मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है जो हमारे गांव के लिए रास्ता जाता है। बहुत सारे ऐसे काम थे जो करने थे। कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? अब सुंदर, अति सुंदर। बाकी हमने फैसला ले ही लिया कि हम खुरमलाधार जाएंगे। शाबाश अमन, शाबाश, मोबाइल नहीं बिगड़ना चाहे वहाँ, ठीक है। बाकी देखिए जी, नदी का इतना विकराल रूप आ रहा है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई। भाई साहब, ये तो दिहाड़ी मांगने लग गया आज। और इस बारिश से इंसान ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी हर कोई परेशान हो गया है। बाकी हर मैंने प्रशांत भाई इस बाजार में मच्छियां लाते हैं, उनको दो चार दिन खिलाते हैं, लेकिन वो मच्छियां इनको धोखा दे देते हैं। मैंने सोचा था कि हो गया इनका कल्याण। चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 9:15 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और वैसा मौसम की बात करें तो कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही है और अभी तक मैंने अपनी वीडियो अपलोड भी नहीं की है। तो मैं इंतजार कर रहा था कि थोड़ा बारिश रुक जाती, उसके बाद हम जाते खुरमलाधार। लेकिन जैसे सुबह 4 बजे उठा तो तब से तो भाई साहब बारिश ही बारिश दिखाई दे रही मेरे को। और अमन भी आ गया। हाँ बेटा, वह हो क्या हाल है? बढ़िया। फिर मैंने अमन को बोला, बेटा आज आप चाहे भीगी चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, यानी कि 9:15 तो यही हो गया, फिर जाऊंगा अपलोड करूंगा तो लगभग 10:30 से 11:15 तो बजी जाएगा। अब मैंने कहा भीगी चाहे कुछ भी हो भाई, करनी तो है अपलोड, तो करनी है, क्योंकि वैसे ही मानसून चल रहा है और इस बारिश के भरोसे रहूंगा तो ये तो कभी रुकने वाली नहीं है। और बाकी ठीक सामने पहाड़ियों पर देखो, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। तो भाई साहब, इस बारिश ने तो हर काम में बाधा डाल दी है, यानी कि वीडियो अपलोड करने जाना था, बहुत सारे ऐसे काम थे जो करने थे, लेकिन बारिश ने हर चीज को रुकवा दिया है। और बाकी यहाँ हमारे जो कल शाम को सब्सक्राइबर आए, हेलो भाई क्या हाल है? एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई जी। गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? अब सुंदर, अति सुंदर, जन्नत लगा पड़ा है। अच्छा, तब सही है, तब सही है। तो देखिए जी, इनको तो यहाँ जन्नत लग रहा है लेकिन हमें अभी यहाँ नर्क लग रहा है, सही बताओ। अगर ये गुजरात से आए तो वहाँ थोड़ा गर्म है, तो भाई साहब ठंडे इलाके में आ रहे तो इनको अच्छा लग रहा है, लेकिन इस चीज को देखते देखते हमारा बचपन बीत गया है। बारिश हो, धूप हो, कोई भी चीज हो, समय के अनुसार ही सही होती है। अगर हद से ज्यादा हो जाए तो उसके बाद वो बेकारी लगना शुरू हो जाती है। तो बाकी हमने फैसला ले ही लिया कि हम खुरमलाधार जाएंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे। बाकी अमन तो जाता है और बाकी साथ में जो सब्सक्राइबर आ रखे ये भी जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बोल रहे जो राणा जी के होटल में आप पराठे खाते तो उसको भी चखवा दो एक बार। चले फिर चलते हैं। भाई साहब अपने रिस्क में जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है? नहीं नहीं, रिस्क नहीं बल्कि मजा है भाई साहब, यही तो देखने आए थे, बारिश देखने ही तो आए हैं। चलो ठीक है, ठीक। बाकी चलिए जी, अब इनका मन कर रहा तो क्या कर सकते हैं, फिर ले जाना ही पड़ेगा। और बाकी अमन और सब्सक्राइबर भाई साहब तो चले गए ऊपर सड़क तक और मैं ले जाऊंगा धनों को, क्या करें। हालांकि वैसे बारिश में रिस्क तो है लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। चलिए जी, सड़क पे आ गया हूँ और बाकी अमन भी आ गया है। और ठीक नीचे से देखिए जो हमारे सब्सक्राइबर है वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। चले जी, फाइनली खुरमलाधार के ऊपर आ गया हूँ। बाकी देखिए कैसे जुगाड़ करना पड़ रहा हमें। अमन को वहाँ पे खड़ा कर दिया, उसके बाद छाता दे दिया है और छाते के नीचे हमने मोबाइल रखा हुआ वहाँ पे। बाकी हाँ जी भाई साहब, कैसा लग रहा है? एकदम जोरदार भाई जी, मजा आ गया। भाई साहब को तो बार बार मजा आ रही है भाई, मानना पड़ेगा यार। यानी कि अपने तो ठंड से बेहाल हो गए लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं हाँ जन्नत है, जन्नत है। मैंने कहा सही भाई, किसी के लिए जन्नत है किसी के लिए नर्क है। और बाकी आज देखो फॉग चारों तरफ कितना घना आकार में फैल गया है और बारिश तो आज रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करते हैं। बाकी बारिश तो बहुत खतरनाक हो रही भाई साहब। बाकी ठंड का माहौल बताऊं तो भाई साहब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। यानी पिछले 2 दिन से जो बारिश हो रही है उसे एकदम ठंडा हो गया माहौल। अब तो मन कर रहा स्वेटर पहन के आए। अब शाबाश अमन, शाबाश, मोबाइल नहीं बिगड़ना चाहे वहाँ, ठीक है। हाँ चल रही है ना स्पीड? बढ़िया, सही है, सही है, सही है। तो देखिए जी, इतनी खतरनाक बारिश हो रही है कि मोबाइल को भी बचाना है और खुद भी बचना है। ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं भाई कभी कभी, लेकिन ये मजा तभी आता है जब आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। बारिश तो खतरनाक हो रही है, कुछ ऐसा जुगाड़ बना रखा आज। लाइक करते रहो भाई, तभी मजा है। और ठीक सामने की बात किया है तो 1.5 से 2 MB की स्पीड तो आ रही है, यानी कि आधे घंटे में वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो देखिए ठीक सामने वाली धार पे कुछ खेत ऐसे भी हैं जो लोग सिर्फ बारिश से ही अपनी रुपाई लगाते हैं, क्योंकि वहाँ नहर नहीं जाती है, तो जब बारिश होती है तब जाके वो अपने खेतों में रुपाई लगाते हैं। यानी कि जो बारिश का पानी होता है वो उस खेत में इकट्ठा हो जाता है, तब जाके वो रुपाई लगाते हैं। तो बारिश पे बहुत सारे लोग डिपेंड भी है, ऐसी बात नहीं है, किसी का भला होता तो किसी का बुरा भी होता है। तो देखिए जी, बारिश में जब भी लैंडस्लाइड होता था, सड़क टूट जाती थी तो कई दिन लगते थे उसको ठीक करने में, लेकिन जब से JCB मशीन आई है तब से तो भाई साहब आधे घंटे में पूरी सड़क ठीक हो जाती है। तो अभी कहीं पर टूट फूट हो गए तो तब JCB मशीन वहां ठीक करने के लिए जा रही है।
तो चले जी, समय 11:15 बज गए, फाइनली मैंने वीडियो अपलोड कर दी और बाकी पब्लिक भी कर दिया है। बाकी निकलते यहाँ से घर, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो हमारे साथ हमारे YouTube परिवार के सदस्य आए तो ये बोल रहे राणा जी के हाथ के परांठे चखवा दो। तो चले जी, ठीक ठाक भीगते हुए हम अभी कोडार के पास पहुँच गए हैं और मतलब क्या ही बताऊँ भाई, पूरे कपड़े लथपथ हो गए। और बाकी राणा जी थोड़ा वहाँ पे हिसाब कर रहे हैं, कुछ थोड़ा करो साफ करो, वो भी जरूरी है। उसके बाद बनेंगे गर्मा गर्म परांठे और परांठे के साथ गर्मा गर्म झरझरी चाय। तो चलिए जी, गर्मा गर्म परांठे बनके तैयार हो गए हैं और अमन को इतनी ठंड लग रही कि गैस की आंच को सेक रहा है भाई। वहाँ पहाड़ों में बहुत ज्यादा ठंडा हो गया भाई अब। बाकी देखिए जी, नदी का इतना विकराल रूप आ रहा है कि ठीक वहाँ से देखिए किसी गांव के लिए वहाँ से नहर जा रही है। तो नहर तो उन्होंने वहाँ से बना रखी, लेकिन इतना ज्यादा पानी आ रहा है कि जो दीवार उन्होंने लगा रखी उसके ऊपर से पानी आ रहा है। और अगर एक दो दिन ऐसी बारिश रही तो धीरे धीरे वो दीवार भी टूट जाएगी और इस नदी में एक भी पत्थर नहीं दिखाई देगा। तो बाकी चले जी, फाइनली अपने गांव के ऊपर जो सड़क है वहां पहुंच गए और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई। दिहाड़ी मांगने लगे आज। एक्चुअली कंडीशन इतनी खतरनाक थी आज की, दिहाड़ी मांग रहे पूरा भीग गया ना वो। नहीं पार्थ, ये गलत बात है, आज हमारा पार्थ बदल गया यार। आराम से चलो पार्थ, दिहाड़ी तुम्हें घर में देंगे, चलो आज फिर बच के जाओ घर। और बाकी ठीक सामने पेड़ पे देखिए कितने सारे कौवे बैठे हैं भाई साहब, मजा आ गया इनको देख के। तो चले जी, फाइनली घर आ गए और बाकी अमन बेटा तो बाइक लेके आ गया था। तो हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में? झाड़ी, अबे यार, हे पार्थ तुम बदल गए हो। कल तक तो ठीक था पार्थ, लेकिन आज झाड़ी मांगने लग गया पार्थ यार, कसम से। एक्चुअली आज ठीक ठाक दिख गया मेरे साथ। झाड़ी अभी मिलेगी, रुक जा। वैसे मैंने दी नहीं आज तक किसी की झाड़ी पर, रुक जा, कोशिश करूंगा तेरी देने की। चलो ठीक है, बाकी मजा आ गया यार आज, कसम से भीग के मजा आ गया। और बाकी अब जो बुखार आएगा उससे और मजा आएगा, आई लाइक इट। तो समय लगभग दिन की 1:30 बज रही है और भाई साहब कल रात से बारिश जो लग रही है अभी भी कंटिन्यू लग रही है, यानी कि एक मिनट के लिए भी बारिश शांत नहीं हुई अभी तक। और जैसे हम वीडियो अपलोड करने यहाँ से खुरमलाधार गए, उसके बाद माँ जी भी यहाँ से कहीं गायब हो गए, यानी कि खेतों में जा रखी है और अभी तक नहीं आई। और पिछले 12-13 घंटे से बारिश लगातार लग रही है, अब तो ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ कोई घटना सुनाई देने वाली है। अब जितने भी पहाड़ सब कमजोर हो गए हैं और ऐसी कंडीशन में लैंडस्लाइड होने का खतरा होता है। और इस बारिश से इंसान ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी हर कोई परेशान हो गया है। आजकल भाई हमारे गांव में अनेकों प्रकार की पक्षियां आ रखी है, तो उनमें से एक पक्षी है तोता, वो भी दिखाई दे रहे हैं आजकल। तो देखिए जी, ठीक सामने वाले तार पे देखिए चुपले चोर का एक जोड़ा नीचे वाले तार पे बैठ रखा है और दूसरा जोड़ा ठीक उसके ऊपर वाले तार पे बैठ रखा है। तो हम तो इसको अपनी लोकल भाषा में चुपले चोर बोलते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो है बुलबुल। तो देखिए जी, मॉनसून के समय कई प्रकार की चिड़ियाएं दिखाई दे रही है, चुपले चोर हो गया, लंपछड़िया हो गया, और एक लाल रंग की चिड़िया दिखाई दे रही जो कि मैंने आज पहली बार देखी और काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है और काफी छोटे आकार की भी है। तो समय अभी दिन की 2 बज रही है और माँ ने भी कंडी में घास ला दिया है। तो चले जी, मुझे एक सबसे अच्छी बात दिखाई दे रही है, और माँ हमेशा जाती है और भीग के आती है, लेकिन माँ ने आज रेनकोट भी साथ में ले जा रखा था, इसीलिए आज माँ जी ज्यादा भीगी नहीं। और बाकी जो रेनकोट माँ ने घास काटने के लिए साथ में ले जा रखा था और बाकी वो भी माँ ने अभी उतार दिया है। तो माँ जी कैसा लगा रेनकोट? अच्छा लगी। अरे वाह, माँ बोल रही इससे बल बहुत आनंद आया, इससे बल बिल्कुल नहीं भीगी मैं। एक्चुअली ये रेनकोट मैंने तब लिया था जब मैं बद्रीनाथ यात्रा पे गया था, एक मैंने, एक लोकेश भाई ने और एक अंकित भाई ने लिया था, क्योंकि उस टाइम वहाँ बारिश हो रही थी इस वजह से लिया था, और यही रेनकोट घर में भी काम आ गया। चलो माँ उसको संभाल के रखो, ठीक है? अच्छा माँ बोल रही उसको थोड़ा धुलना है बल, यानी कि वो मिट्टी से हो रखा बल, थोड़ा उसको धुल देती हूँ तब अंदर संभाल देती हूँ। और बाकी मदली और बिंदु को तो अंदर ही बांध रखा है। और बाकी किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि यहाँ बल आप पत्थर बिछा दो। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गौशाला का हमने एक बार काम करवाना है, तो उसके बाद ही हम यहाँ पत्थर बिछवाएंगे। अगर हम यहाँ पत्थर बिछाएंगे तो उसके बाद फिर टूट फूट होनी है, तो हमने सोचा है पहले गौशाला बनाएंगे उसके बाद यहाँ पत्थर बिछा देंगे, तब तक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसको बोलते कठफोड़ा, उसकी चोंच देखो कितनी मोटी है भाई, और बहुत मजबूत होती है इसकी चोंच, तो यही अखरोट में छेद करके उसके अंदर की जो गिरी होती है उसको खा लेता है। तो समय अभी दिन की 3:30 बज रही है और बाकी मौसम की बात किया है तो बारिश अभी रुक गई है, हालांकि ठीक सामने पहाड़ियों की बात किया है तो वहाँ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। और बाकी अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, तो चलिए अब खाना भी खा लेते हैं। तो कपिल भाई को भूख लग गई होगी? नहीं, है? नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आज माँ जी टिकी हुई भाई, यानी कि बारिश रुक गई लेकिन माँ भी अभी रुकी हुई है यहाँ। अब माँ जी जैसे खाना खाएगी और माँ जी यहाँ से कब गायब हो जाए कोई पता ही नहीं है। हाँ बोल रहे माँ की जाना तो है बल। अरे रुक जाओ, ये कीड़ा कीड़ा कीड़ा
और बाकी माँ ने गर्मा गर्म खाना ला दिया है। और आज के खाने में अरहर की दाल और घर के लाल चावल। और बाकी माँ जी भी खाना खाने लग गई है। और अनीता नहीं खा रही खाना। अनीता जब स्कूल से आई उसने खाना बनाया, उसके बाद उसको इतनी भयंकर नींद पड़ी। एक्चुअली बाहर जो वेदर है वो बहुत ठंडा हो रखा है। उसने कंबल निकाला और मस्त करके सो गई। अब उसकी नींद ही नहीं खुल रही। नाना जी ने भी खाना खा लिया है लेकिन अनीता यहाँ मस्त करके सो रही। अनीता अनीता गुड मॉर्निंग गुड चाउमिन। चल चल सो जा ठीक है आराम से सो जा। तो समय अभी 4:45 बज रही है और हमने थोड़ी देर पहले खाना खा लिया था। और बाकी अभी आसमान की बात करें तो हल्का फुल्का तो आसमान अभी खुल रहा है। बाकी बारिश एकदम रुक गई अभी और थोड़ा बहुत धूप भी दिखाई दे रही सामने वाली पहाड़ी पे। बाकी मैं अमन और जो कपिल भाई है यानी कि हमारी यूट्यूब फैमिली के सदस्य, थोड़ा हम तीनों जा रहे हैं घूमने क्योंकि कल वो चले जाएंगे यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। तो थोड़ा उनको आज घुमा लेते हैं। उसके लिए अपने धन्नो तो जरूरी है तो धन्नो को ले जाते हैं अभी। चल धन्नो शाबाश। तो बाकी फाइनली मैं सड़क पे आ गया और बाकी वो दोनों अभी पैदल आ रहे हैं। और बाकी ये देख के मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है, जो हमारे गाँव के लिए रास्ता जाता है वहाँ किसी ने इतने सारे कागज फेंके हुए हैं। तो इनको पहले इकट्ठा करते हैं। अमन बेटा इनको इकट्ठा कर, बहुत भद्दे लग रहे। पता नहीं भाई किसने फेंक दिए। और बाकी जो हमारे गांव के रास्ते में फेंक रखा ये AFCI होटल मैनेजमेंट वाला है, पता नहीं किसने फेंक दिया। ये 6 महीने की ट्रेनिंग लिखा हुआ है इसमें। बहुत सारे कागज फेंके हुए थे भाई यहाँ पे और शायद किसी के पास दिया होगा किसी ने कि इनको बांटना गांव-गांव में। लेकिन उस भाई ने क्या कर दिया, यहाँ पे सारे कागज फेंक दिए, भरोसे की ऐसी की तैसी कर दी। बाकी चले जी हमने सारे कागज यहाँ से हटा दिए हैं। चले कपिल भाई जी भैया चलो फिर। अभी हम आ रखे हैं प्रशांत भाई के कैफे के पास। तो जो हमारी YouTube फैमिली के सदस्य है कपिल भाई, तो उन्होंने बोला जहाँ तुम सूप पीते हो और मोमो खाते हो मुझे वहाँ भी ले चलो। तो भाई साहब आज पहली बार चखोगे यहाँ? और भाई को सब पता मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ, मतलब मेरे को इतना याद नहीं जितना भाई को याद है। भाई मानना पड़ेगा इनको, बोलते डाई हार्ट फैन। बहुत बहुत धन्यवाद यार, सपोर्ट करिए बिल्कुल। इनका भी ब्लॉग चैनल है, क्या है? कनम ब्लॉग्स। और बाकी हर महीने प्रशांत भाई इस बाजार में मच्छियां लाते हैं, उनको 2-4 दिन खिलाते हैं लेकिन वो मच्छियां इनको धोखा दे देते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं नई मच्छी लाते हैं। और बाकी प्रशांत भाई अभी सूप बना रहे, तो सबसे पहले हमने ऑर्डर दे रखा सूप पिलाओ सूत सहित। और बाकी ये जो मछलियां तुम हर हफ्ते बदल रहे हो मानना पड़ेगा यार, इतना गर्स कहां से आता तुम्हारे अंदर? 3 साल हो गए। बस कर भाई, लाएगा दूसरों को। 3 साल भाई, इसको खोले हुए 5-6 महीने भी नहीं हुए ढंग से और इनको 3 साल हो गए। खैर प्रशांत भाई को मजाक करने की आदत है और बहुत भयंकर मजाक कर लेते हैं। इनकी बातों को दिल पे ना ले, दिमाग पे ले सीधे डायरेक्ट। और जिस हिसाब से प्रशांत भाई बता रहे कि 3 साल इनको हो गए, तो मेरे को लग रहा है इनका जो चारा है वो प्रशांत भाई खुद खा रहे हैं। क्योंकि प्रशांत भाई की हेल्थ तो बन रही लेकिन मछलियों की 3 साल से कोई हेल्थ नहीं बन रही। गलत बात है साहब, ये भी कोर्ट में जाएंगे अब केस लड़ने। और बाकी चले जब गर्मा गर्म सूप पी लेते पहले फिर निकलते यहाँ से हम। और बाकी बरसों बीत गए थे तो आज हमें देव भाई भी मिल गए हैं। मैंने सोचा था कि हो गया इनका कल्याण। इतनी जल्दी मत करो भाई। या फिर मैंने ये भी सोच लिया था कि शायद कहीं सरकारी नौकरी लग गया बंदा फिर भूल गया होगा, लेकिन पता चला कि ये भी बेरोजगारी है। आज बहुत अच्छा लगता है यार, थोड़ा घमंड आ जाता है ना। आज मिला है तो मैंने कहा चल तुम भी सूप पी लो साथ में मस्त वाला। सूप की बात हुई नहीं तो मैं रुकता नहीं फिर। सही बात है, देखो पेट के बहाने रुका है, हमारे बहाने रुका। चलो पिला लेते हैं मजबूरी में, क्या करे। तो बाकी चले जी सूप तो सबने पी लिया और बाकी इनकी डिमांड हो रही है अब कि स्टीम मोमो भी खिलाए जाए हैं। तो चले जी मोमो भी ऑर्डर करवा ले, तो वो भी चखवा लेते हैं जरा भाई साहब को। तो बाकी चलिए जी फाइनली हम घूम के आ गए हैं और बाकी अनीता ने कुछ सामान मंगाया और बाकी जैसे ही घर जा रहा था तब तक यहाँ पे शेरू भी इंतजार कर रहा है मस्त करके। हाँ भाई चला जा शाबाश चलो कम ऑन। चलिए जी अमन भाई तो पहले ही पहुंच रखा क्योंकि बाइक लाने की जिम्मेदारी इसकी थी। चल पहुंच गया ना? ठीक है। और बाकी नाना जी बैठ रहे मस्त करके। तो बाकी चलिए जी घर तो पहुंच गए हैं और सामान अनीता के हवाले कर दे और बाकी अनीता सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाएगी। हेलो अनीता उठ गए, तू खड़ी खुल गई थी नींद। कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ेगी भाई ये भी कभी है। हमारे गांव में एक अमन हो गए और एक अनीता हो गई, ये दो तोड़ सकते कुंभकर्ण का रिकॉर्ड। सही है। अब सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ, ठीक है? चाय भी होगा ना गर्मा गर्म, टपरी मार के। सही है। तो चलिए जी अनीता ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। चलिए जी गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं हसीन वादियों के बीच में। तो बाकी माँ जी भी आ गई छोटी सी घास की पूरी लेकर। आइए जी आइए। तो चलिए जी समय अभी 7:15 बज रही है और अभी मेरी अमन भाई और कपिल भाई की तैयारी है यहाँ से पनियारा जाने की। तो वहाँ से एक डब्बा पानी भी लेके आता हूँ और बाकी इनको अपना पनियारा भी दिखाता हूँ। और बाकी मानसून के समय तो आजकल पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं उसमें चलना तो बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली क्या होता है कि रास्ते के अगल बगल जो घास होती है उसमें पानी जमा हुआ होता है, वो पूरे कपड़े गीले कर देता है। तो ठीक सामने पे देखिए हमारे गांव की जो जलकुल नदी है कितनी खतरनाक उफान पे आ रखी है और आजकल जो धारा है इसमें भी बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। तो मॉनसून के समय क्या होता है कि पहाड़ों में नदी झरने जितने भी तालाब हर कोई उफान पे रहता है और बाकी लगभग अंधेरा भी होने ही वाला है तो हमें घर भी पहुंचना है अभी। और जैसे अंधेरा हो जाता है तो निन्यारों की आवाज शुरू हो जाती है।
बाकी भाई जो भी स्ट्रीट लाइट सब ऑन हो गई है। चलिए जी फाइनली घर पहुंच गए। और बाकी माँ जी ये लीजिए पानी, ठीक है। और रात की 9:15 बज रहे हैं, फाइनली अनीता ने खाना बना के तैयार कर दिया है। और बाकी चले जाए आज के खाने में अरहर की दाल, साथ में माँ ने सगवाड़े में कुछ भिंडी के बीज बोए थे, उसमें जब पौध आए तो पौध पे थोड़ा बहुत भिंडी लगी हुई थी, तो आज उसको भी चखते हैं। साथ में अनीता ने मस्त गर्मा गर्म रोटी ला दी है। बाकी चले जी गर्मा गर्म खाना खा लिया है और अनीता और माँ जी अब खा रही है खाना। अनीता ने हम सबको खाना खिला दिया है, इसके लिए एक बार फिर से अनीता का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कपिल भाई सो जाते हैं, ठीक है, सुबह भाई को भी निकलना है। बाकी चलिए जी सभी लोग सो गए और बाकी मैं भी सो जाता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भागुना मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।